गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे बेटा। परिवार, ठीक है, परिवार क्या होता है? आपने अपने घर में देखा होगा, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके भाई हैं, आपके कजन्स हैं, आपके चाचा, ताऊ, दादा, नाना, सब, मतलब जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं आपके, ठीक है, जितने भी रिलेशन हैं आपके, ठीक है, आपका मतलब आपके घर में कोई बड़ा है, बुज़ुर्ग, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, कोई आपका चाचा लगता है, कोई आपके ताऊ जी लगते हैं, ठीक है, कोई आपकी चाची जी हैं, कोई आपकी बुआ जी हैं, तो वो रिलेशन कैसे बने हैं? वो रिलेशन बने हैं उनके, मतलब आपके माता पिता के साथ उनका क्या संबंध है, तो हमें इस बात से पता चलता है। यानी हमारे फादर हैं, उनके जो ब्रदर हैं, यानी आपके पापा के जो भाई हैं, वो आपके क्या लगते हैं? अगर आपके पापा से उम्र में छोटे हैं तो आपके चाचा लगते हैं, अगर उम्र में बड़े हैं तो क्या लगते हैं? ताऊ जी लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली क्या होती है? सबसे पहले फैमिली क्या होती है? फैमिली अगर बात की जाए तो एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है मेंबर्स का, ठीक है, जो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आप खुद, ठीक है, उनसे मिल करके क्या बन गई? एक फैमिली, यानी जिसमें आपके घर के माता पिता और आपके भाई बहन इकट्ठा एक साथ रहते हो, क्या कहलाती है? फैमिली कहलाती है, ठीक है। फैमिली में आपने जैसे सुना होगा, एक छोटी फैमिली होती है, एक बड़ी फैमिली होती है। अगर फैमिली की बात की जाए, छोटी फैमिली जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, और बड़ी फैमिली है उसको बोलते हैं बिग फैमिली, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियर फैमिली में डिफरेंस, और अब फैमिली का हमें पता चल गया कि हमारे जो माता पिता हैं उनके साथ जितने मेंबर्स ऐड हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बाकी, हम बात करते हैं सेकंड बात करते हैं कि फैमिली में अगर न्यूक्लियर फैमिली कौन सी फैमिली है, और जो हमारी सेकंड बात जिसको करते हैं बिग फैमिली क्या है। अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात की जाए तो इसको हम स्मॉल फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्मॉल फैमिली। अब स्मॉल फैमिली कौन सी होती है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्मॉल फैमिली का मतलब है जिसमें फादर यानी पिता, ठीक है, मदर, ठीक है, और मान लो उनके बच्चे हैं जितने भी हैं, उनके सन एंड डॉटर, ठीक है, इसको बात की जाए। यानी एक फैमिली में फादर, मदर और उनके बच्चे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? स्मॉल फैमिली, यानी माता पिता और उनके बच्चे, यानी माता पिता उनके, यानी इनके सन और डॉटर जो हैं, इनके बेटा बेटी जो भी हैं, अगर हों किसी फैमिली में माता पिता और उन मतलब जैसे आपकी खुद की बात करें हम, आप में जैसे आप अपनी खुद की ले सकते हो, आप खुद हो, ठीक है, आपके भाई या आपकी बहन है तो बहन, जितने भाई बहन आपके, यानी दो या तीन जितने भी भाई बहन आप हो एक साथ हो, वो सब प्लस में आपके माता पिता, यानी आपके माता पिता और आपके भाई बहन, वो क्या बन गई? स्मॉल फैमिली। क्या बन गई? स्मॉल फैमिली, जिसमें माता पिता और उनके सिर्फ बच्चे हैं, वो कौन सी फैमिली कहलाती है? स्मॉल फैमिली कहलाती है। अब बात करते हैं बिग फैमिली की। बिग फैमिली की जैसे ज़रूरी नहीं है कि घर में इतने ही मेंबर हो, घर में ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के जैसे चाचा है, ताऊ है, वो सब इकट्ठे एक ही साथ रहते हैं, ठीक है, ठीक है, एक साथ रहते हैं, तो यानी अगर बात की जाए एक साथ रह रहे हैं तो हो जाएगी बिग फैमिली, यानी बड़ी फैमिली, बड़ा परिवार हो जाएगा जिसमें सभी एक साथ रहते हैं। अब उस मतलब एक ऐसा परिवार जिसमें सभी, मतलब चाचा, ताऊ, आपके जो भी हैं, वो आपके पापा, आपके दादा दादी सब मिलकर एक साथ एक जगह पे रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? जॉइंट फैमिली। जॉइंट का मतलब होता है बीच में दोनों संबंध, ठीक है, बीच में संबंध होता है, ठीक है, यानी जो एक दूसरे के साथ एक साथ रहते हैं, तो जॉइंट हो गया उनके बीच में, क्या हो गया? जोड़ हो गया बीच में, तो क्या भी वो कहलाती है? जॉइंट फैमिली। अब रिलेशन कैसे समझेंगे हम, कैसे माने कि कोई हमारा रिलेशन में क्या लगता है, ठीक है, चाचा लगता है, पापा लगता है, ताऊ जी लगते हैं, मम्मी लगती है, तो उन सबको जानने के लिए हमें कुछ
चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो फैमिली बिग है स्मॉल, उसको बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि आपकी जो फैमिली है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी है या छोटी है ये बात मैटर नहीं करती, लेकिन जो बात करती है कि आपको अपनी फैमिली के साथ प्यार से रहना चाहिए। आपकी फैमिली में आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें जैसे कपड़े हैं, खाना है, खेलने की चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए बुक्स हैं या रहने के लिए जगह है, वो कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो बात करती है। अब आपको ये सब चीज़ें कौन देता है आपकी फैमिली में, प्यार स्नेह कौन देता है आपको, आपको अपनी जो चीज़ें हैं ज़रूरत की चीज़ें वो कौन देता है, आपके माता पिता देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे साथ प्यार प्रेम करते हैं, ठीक है, जो हमें दुख सुख में हमारे साथी होते हैं, वो क्या है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, समय समय पर हर जगह पर हमारे साथ हमारी मदद करते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, उनकी ज़रूरत होती है, वो वहाँ पर हमारे साथ होते हैं, तो क्या कहलाएँगे, फैमिली मेंबर्स कहलाते हैं। अब रिलेशन की समझे सबसे पहले, तो सबसे पहला रिलेशन जो आता है, यानी सबसे पहला जो संबंध आता है फैमिली में, वो होता है किसका, हस्बैंड एंड वाइफ का। किसका आता है, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड क्या होता है, पति, और वाइफ पत्नी, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ का जिक्र किया जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ का जिक्र किया जाता है। मान लो आपके पापा का नाम कुछ भी है, मान लो हम बुक्स की बात करते हैं, बुक में जो दे रखा है कि डॉक्टर रमेश नाम दे रखा है उन्होंने, ठीक है, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छे क्या है, नामी डॉक्टर है, ठीक है। और उनकी वाइफ का नाम है, जिनका नाम यानी डॉक्टर सुधा क्या है, उनकी मदर है। डॉक्टर सुधा किसकी मदर है, एक मान लो कोई नाम मान लेते हैं, यानी ये क्या है, डॉक्टर जिसकी बात की हमने, रमेश, मान लो कोई लड़का है राहुल, इसके फादर है ये डॉक्टर रमेश, ठीक है। इनकी मदर का क्या नाम है, डॉक्टर सुधा, ये दो नाम हो गए, ठीक है। अब दोनों ये भी डॉक्टर है और ये भी डॉक्टर है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये मेडिकल शॉप है इनकी, या मेडिकल इनका जो क्लिनिक है, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं सेम उसमें, ठीक है। और इन दोनों एक दूसरे, उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से जाना, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली, ठीक है, दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली, ठीक है। अब शादी करने के बाद क्या हुआ, शादी करने के बाद ये तो हो गई जो लेडीज़ थी वो वाइफ, और ये हो गए हस्बैंड किसके, यानी ये मिस डॉक्टर सुधा के तो क्या हो गए, पति, ठीक है, और ये इनकी क्या हो गई, पत्नी, यानी डॉक्टर सुधा क्या हो गई, पत्नी किसकी, डॉक्टर रमेश की, और इसकी डॉक्टर सुधा के जो पति हैं उनका नाम क्या हो गया, रमेश हो गया। इस प्रकार क्या हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक संबंध बन गया, यानी पति और पत्नी का, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। यानी उन वो एक ही साथ पढ़ते थे पहले, उन्होंने एक दूसरे को जान पहचान हो गई अच्छे से, और उन्होंने क्या कर ली, फिर बाद में शादी कर ली, तो यानी दोनों क्या बन गए, हस्बैंड एंड वाइफ बन गए उसके बाद, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ बनने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनका जो रिलेशन अच्छा चला, और इनसे क्या बन गए, ये पेरेंट्स बन गए। पेरेंट्स कैसे बने, बाद में क्या हुआ, राहुल का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, राहुल का। राहुल ने जन्म लिया तो उनकी फैमिली में क्या हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छा, ठीक है। जब राहुल पैदा हुआ तो क्या हुआ, फैमिली में जश्न मनाया, खुशी मनाते हैं ना, जैसे फैमिली में कोई पैदा होता है तो इन्होंने खुशी मनाई, ठीक है, खुशी मनाने से क्या हुआ, घर में सारे फैमिली मेम्बर्स खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों, क्योंकि अब राहुल का जन्म होते ही, ठीक है, ये क्या बन गए, पेरेंट्स बन गए बेटा। क्या बन गए, पेरेंट्स कैसे बन गए, क्योंकि पहले तो ये हस्बैंड वाइफ थे, फिर इनके ये क्या बन गए, ये इनको जब बेटा हो गया तो इसके बाद इसके ये क्या बने,
पेरेंट्स, पेरेंट्स में बने तो रिलेशन क्या हुआ, राहुल का डॉक्टर के रमेश के साथ क्या रिलेशन हुआ, क्या बने वो राहुल, राहुल इनका बना सन, ठीक है, और डॉक्टर रमेश क्या हुए, फादर, ठीक है, फादर हो गए ना, पिता हो गए ना, क्योंकि इनका बेटा है तो ये क्या हो, इसके पापा, और जो डॉक्टर सुधा है वो बने इनकी मदर। इतना समझ में आया बेटा? तो रिलेशन की बात करते हैं, तो आज रिलेशन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि फैमिली क्या होती है सबसे पहले, ठीक है, जिसमें आपके माता पिता, आप खुद यानी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे रहते हैं, तो क्या है, फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है। तो इसके बारे में घर से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बंद कर।